अस्सलाम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमार्क मल्टी फंक्शनल स्टीमर के बारे में बताऊंगी। ये एक स्टीमर है जिससे हम बड़े बड़े कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, जैसे कि अबाया और मैक्सीज़, जो आप को टेबल पे रख के या ज़मीन पे रख के इस्त्री करने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये एड स्टीमर का डब्बा है, ये इसका मैनुअल है जो इस बॉक्स से निकला है, और ये टोटल मशीन है। मशीन के अंदर तीन कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो ब्रश वाले कंपार्टमेंट हैं, इससे हम सोफ़े और रग्स वगैरह इस्त्री कर सकते हैं। इस हिस्से से हम स्टीमर की मदद से, ये स्टीमर लगा हुआ है, स्टीमर की मदद से हम इसके अंदर कांच का आइटम जैसे ग्लास हो गया, मिरर हो गया, उसको हम साफ़ कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस बकल के नीचे, ये इसकी बोतल है जहाँ में हम पानी स्टोर करते हैं। ये आपको रेड और ब्लैक कलर का बटन दब नज़र आ रहा है, इसको हम एक साइड पे दबाएंगे, मशीन ऊपर की तरफ खुल जाएगी, और इसी को दबा के हम नीचे प्रेस करेंगे, मशीन बंद हो जाएगी। ये देखें, कपड़े स्टिक करने के लिए हमें इस हिस्से की ज़रूरत नहीं, हम इसको हटाएंगे। मशीन को इस्तेमाल करने के लिए हम नीचे वाला हिस्सा निकालेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम प्रेस करेंगे तो ये कंपार्टमेंट खुल जाएगा। हमें इससे कपड़े इस्त्री नहीं करने, हमें इस हिस्से से कपड़े इस्त्री करने हैं। ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इससे स्टीमर की मदद से भाप बाहर आएगी। ये बकल है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद है, तो इसको ऐसे प्रेस करने से इस हिस्से से भाप बाहर आएगी। इसको खोलने का तरीका कैसे है, इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और आपका कंपार्टमेंट खुल जाएगा। क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मगर हम इसके अंदर मज़ीद पानी डालेंगे। ये देखें, इसकी बोतल खुल गई है। ये इसके अंदर आपको रेड कलर का एक होज नज़र आ रहा है, ये देखें, क्लियर कर लेते हैं। ये इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है कि हम इसको इस्तेमाल करें। अब देखें, इस कंपार्टमेंट के अंदर हम पानी डालेंगे, देखें, अब पानी मैंने बहुत ज़्यादा भर लिया है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी इस वाली होस से बाहर आएगा। मैंने इसलिए भरा है ताकि हमें पता चले कि हमें काम किस तरह से करना है। हम ये इसको भर रहे हैं, ये देखें, पानी एक्स्ट्रा जो है निकल गया है। ये देखें, वाटर प्रूफ है, ये पानी बहता भी नहीं है कहीं पे। और हम क्या करेंगे, मशीन के अंदर आपको ये एक छोटा सा रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, ये जो होज़ है, ये हम इस रेड कलर के बटन के अंदर लगाएंगे। ये देखें, ऐसे लग गया। अब इसका जो ये तार है, इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब इसको मैं प्लग इन करती हूँ और दो मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये गर्म हो जाए। अब देखें, हमने ये प्लग इन कर दिया, ये गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो रहा है तो इसकी ये रेड वाली बत्ती ऑन होगी, तो अभी थोड़ी ऑफ है क्योंकि ये थोड़ी देर होगी इसे गर्म होते हुए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये इंतहाई फ्रेंडली है कि आप इसे हाथ भी लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, यहाँ से मैंने इस्त्री करना है और मैं इसको छू सकती हूँ, ये इतना गर्म नहीं है, मगर जब ये कपड़े पे काम करेगा तो ये अच्छे से काम करेगा। अभी हमारे पास एक रुमाल है कॉटन का, अब हम क्या करेंगे, इसको इस्त्री करेंगे। अच्छा, इस्त्री करने के लिए एक रूल है इसका कि हम इसे नीचे से ऊपर तक इस्त्री करेंगे। कपड़े को थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे और इस हैंडल को नीचे करेंगे ताकि इसे स्टीम जाए और इसको इस्त्री करना शुरू करेंगे। तो आए, अब हम इसे इस्त्री करते हैं। ये देखा आपने इसकी स्टीम, ये देखें, मैं बगैर स्टीम के करती हूँ ये हिस्सा। हिस्सा देखा आपने, ये देखें आप, इसकी लाइट ऑन होगी, इसका मतलब है ये पानी गर्म कर रहा है। हर दो मिनट के बाद इसकी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, इसका मतलब है हर दो मिनट बाद ये पानी गर्म करता है।
तो देखें ये इसने इस्त्री किया है, बट मैं इसकी ज़रा ये जो क्रीज है इसको बिठाने की कोशिश करता हूँ। इसको 2 मिनट दें ये ज़रा गर्म हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें इसने कितनी अच्छी क्रीज बनाई है, देखिए कितना अच्छा इसने इस्त्री किया है। अब हम एक खद्दर का ट्राउज़र इस्त्री करेंगे, क्योंकि खद्दर थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम उसको देखते हैं कि वो कैसे इस्त्री करें। इसलिए हमारे पास एक खद्दर का ट्राउज़र है, अब हम इसे इस्त्री करके देखते हैं कि ये खद्दर पे कैसे काम करता है, क्योंकि खद्दर एक मुश्किल कपड़ा है इस्त्री करने के लिए। तो प्रिंसिपल वही है, नीचे से ऊपर की तरफ इस्त्री करेंगे। ये देखें इसकी लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब है ये गर्म करेगा अभी अब पानी। ये देखें नाजीन अब ये गर्म हो चुका है, अब हम इसकी क्रीज बनाएंगे। तो अब इसके 5-6 हम इस्त्री करेंगे। ये देखें आप देख सकते हैं इसकी क्रीस कितनी बारीक बनी है और अच्छे से इसने इस्त्री किया है। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा। शुक्रिया।